उत्तराखंड में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहले ही दिन बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीएम ने 3000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। बता दें कि फ्रांसीसी कंपनी पुमा ने रोपवे केबल कार का 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। वहीं 1000 करोड़ का एमओयू उषा विक्रो लिमिटेड के साथ में हुआ है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। आने वाले दिसंबर के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी, वहां पे कई उद्योग विभागों से मिले और कल 2000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। आज भी 1000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन होने हैं। निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के विकास के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सतत प्रयासरत हैं, मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिसंबर में जो ग्लोबल मीट है उसमें तमाम जो लोग हैं, जो उद्योग घराने हैं, उत्तराखंड की ओर आएंगे। उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट में अपना सहयोग कर यहाँ पर किस प्रकार से बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से टूरिज्म में बेहतर काम हो सकते हैं, किस प्रकार से धर्माटम में बेहतर काम हो सकते हैं, रेलवे में बेहतर काम हो सकते हैं, एयर कनेक्टिविटी बेहतर काम हो सकते हैं, होटलियर में बेहतर काम हो सकते हैं, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार उद्योगपतियों से वार्तालाप कर रही है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लंदन दौरा है, मैं कह सकता हूँ सफल दौरा होने जा रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा उत्तराखंड